नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके चैनल सोशल बिकू पे। दोस्तों बताना चाहेंगे आपको, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड को ज़्यादा पेंशन बढ़ी हुई पेंशन देने के लिए, और जो उसका मापदंड तय किया जा चुका है सुप्रीम कोर्ट के हवाले, उसके हवाले पेंशन देने के लिए। लेकिन आपको बता दें कि EPFO की तरफ से कुछ अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, जिसमें ऐसा उम्मीद लगता है कि EPFO फंड जो है प्रोवाइड ना करा पाए। देखिए आपको बता दें दोस्तों कि अगर मैं आपके सामने कटिंग खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं ज़्यादा पेंशन देने के लिए EPFO के पास फंड की कमी है। तो आप इसमें देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के सुना भी देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO के लिए काफ़ी मुश्किल है। EPFO के ट्रस्टी ब्रजेश उपाध्याय का मानना है कि ज़्यादा पेंशन देने के लिए ज़्यादा फंड की जरूरत है, फंड होगा तभी ज़्यादा पेंशन दे पाएंगे, सरकारी मदद के बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर सकते हैं। सरकार ने मदद नहीं की तो एक दिन ऐसी स्थिति में होगा कि EPFO के पास अपने पेंशनधारकों को पेंशन देने के लिए फंड नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की पेंशन में भारी वृद्धि का रास्ता साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस फैसले को जारी रखा है जिसमें EPFO से कहा गया था कि वह सभी कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी के हिसाब से पेंशन दे। NBT से बातचीत में ब्रजेश उपाध्याय ने कहा कि लगता है कि सरकार ने इस मामले में अपना पक्ष सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं रखा, कहीं ना कहीं चूक हुई है। सरकार को EPFO के वित्तीय स्थिति को सही तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए था। यह भी बताना चाहिए था कि न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपये देने में ही EPFO को मुश्किल हो रही है, इसके लिए सरकार को 1,200 करोड़ रुपये सब्सिडीज दे रही है। तो अब देख सकते हैं, अब देखना यह है कि क्या EPFO सुप्रीम कोर्ट के बातों को मानती है या उस पर आगे जो है पेंशन बढ़ी हुई पेंशन को आगे बढ़ाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा दोस्तों। तो ये एक अपडेट था जिसमें कभी भी एक उम्मीद जो है कम होती दिख रही है पेंशनर्स की, क्योंकि सरकार के क्योंकि EPFO के पास में फंड की कमी है। तो जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट दे दिया है, आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। आने वाले समय में जो भी इससे अपडेट निकल के आएगा, सबसे पहले सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन के साथ लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।